गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आई होप दैट यू आर फाइन एट होम। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो सिक्स इलेवेंथ क्लास के लिए है। और ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कि कितने प्रकार के ये होते हैं और कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट, सबसे पहले नाउन, नाउन टॉपिक आता है इसमें। सेकंड, प्रोनाउन। थर्ड, वर्ब। फोर्थ, एडवर्ब। फिफ्थ, एडजेक्टिव। सिक्स, प्रीपोजिशन। सेवेंथ, कंजक्शन। एट्थ नंबर पर इंटरजेक्शन। तो स्टूडेंट्स, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो टॉपिक आते हैं वो ये टॉपिक है। सबसे पहले नाउन टॉपिक आता है, फिर प्रोनाउन आता है, फिर वर्ब आती है, फिर एडवर्ब आती है, फिर नेक्स्ट एडजेक्टिव आती है, फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है, उसके बाद कंजक्शन आता है, और लास्ट में इंटरजेक्शन आता है। तो दीज आर क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही ये टाइप्स है, भाग है। तो कौन कौन से हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, और वर्ब होगी, एडवर्ब होगी, एडजेक्टिव होगी, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। ये सभी की सभी जो टाइप है या ये टॉपिक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन, और नाउन को करेंगे किस प्रकार से नाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले हमें नाउन के बारे में पता होना चाहिए, वी शुड नो अबाउट द नाउन। और नेक्स्ट कि होता क्या है नाउन, व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें कि डेफिनेशन होती क्या है नाउन की, नाउन क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं इसकी। नाउन, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज कॉल्ड नाउन। नाउन होता क्या है स्टूडेंट, कि डेफिनेशन क्या होती है नाउन की, कि नाउन इज नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज कॉल्ड नाउन, कि एक व्यक्ति, एक स्थान, कोई भी स्थान आ सकता है और कोई भी वस्तु आ सकती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और नाउन में कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, ये जो मार्कर है ये भी नाउन है। ओके स्टूडेंट, ये ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड ये भी नाउन है, ठीक है।
जो सब चीजें आप लोगों को दिखाई देती है वो सब क्या होती है, नाउन होती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, अब नाउन के काइंड्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, कितने प्रकार के नाउन होते हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ये डेफिनेशन होगी नाउन की। प्लेस और थिंग इट इज कॉल्ड नाउन। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार कितने होते हैं तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन को स्टूडेंट व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह वाचक संज्ञा, जिसमें कलेक्शन शो करता है। नेक्स्ट, फोर्थ, मटेरियल नाउन। पदार्थ वाचक संज्ञा। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ नाउन फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर पर जो सबसे पहले है वो प्रॉपर नाउन है, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन, जिसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं, तो कितने होते हैं स्टूडेंट, इट हैज फाइव टाइप्स या फाइव काइंड्स। तो पांच प्रकार के होते हैं ये, कौन कौन से, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर नाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉमन नाउन करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। द नेम गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन होता क्या है स्टूडेंट, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ये, और इसकी जो डेफिनेशन है वो है द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी विशेष व्यक्ति का या विशेष वस्तु होनी चाहिए या विशेष स्थान होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। स्पेसिफिक होना चाहिए स्टूडेंट, विशिष्ट होना चाहिए, इज दैट क्लियर। तो इसकी जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और इसकी जो डेफिनेशन है द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स विशेष व्यक्ति होना चाहिए और विशेष प्लेस होना चाहिए और विशेष थिंग स्थान वस्तु होनी चाहिए, इज दैट क्लियर स्टूडेंट। तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ओके स्टूडेंट, तो अब ये प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन के बारे में हमें पता चल गया कि भी पर्टिकुलर होना चाहिए, विशेष स्थान होना चाहिए, विशेष व्यक्ति होना चाहिए और विशेष वस्तु होनी चाहिए। तो अब जैसे विशेष कैसे, एज गांधी जी, गांधी जी, न्यूटन, अमिताभ, बाइबल, ईटीसी एक्सेट्रा। तो ये जो नाउन है स्टूडेंट्स, गांधी जी हो गया, न्यूटन हो गया, अमिताभ हो गया, बाइबल हो गया, ओके स्टूडेंट, ये क्या है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है स्टूडेंट, ठीक है। गांधी जी, न्यूटन, अमिताभ, बाइबल आर प्रॉपर नाउन्स, इज दैट क्लियर स्टूडेंट। ये जितने भी है ये प्रॉपर नाउन, क्योंकि अपने आप में ये क्या है, स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, पर्टिकुलर है ये, ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके, टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन, ऑफ प्रॉपर नाउन। फर्स्ट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट द बाइबल इज ए होली बुक, अमिताभ लिव्स इन मुंबई, अमिताभ लिव्स इन मुंबई। फोर्थ नंबर, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। तो इसमें से स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है, इज दैट क्लियर स्टूडेंट। प्रॉपर नाउन के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, इसमें कोई विशेष स्थान होता है, विशेष व्यक्ति होता है और विशेष वस्तु होती है, ठीक है। तो इसे आइडेंटिफाई होता है स्टूडेंट ये कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, इज दैट क्लियर। तो
अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं और इन एग्जांपल्स में से हमें ये फाइंड आउट करना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो एग्जांपल है दिल्ली। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसमें जो प्रॉपर नाउन है स्टूडेंट वो है दिल्ली, इंडिया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट द बाइबल इज ए होली बुक, क्योंकि ये जो फर्स्ट एग्जांपल है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया क्या है? स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है। दिल्ली क्या है? पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर प्लेस, नेम ऑफ प्लेस है। और नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट जो एग्जांपल है द बाइबल इज ए होली बुक। होली बुक क्या है? एक पवित्र किताब है जो अपने आप में स्पेशल है। ओके स्टूडेंट, और इसलिए जो अपने आप में स्पेशल है वो क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। द बाइबल इज ए होली बुक, तो बाइबल क्या है? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट अमिताभ, अमिताभ लिव्स इन मुंबई। अब अमिताभ अपने आप में स्पेशल है, पर्टिकुलर पर्सन है, और यहां पर मुंबई ये क्या है? पर्टिकुलर प्लेस है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, और ये भी प्रॉपर नाउन है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी क्या है? पर्टिकुलर पर्सन है, विशेष व्यक्ति है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। क्योंकि स्टूडेंट हु इज अवर फादर, हु इज द फादर ऑफ अवर नेशन, हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, और इसमें नोट, a proper noun starts with a capital letter. A proper noun starts with a capital letter. एक जो proper noun है, proper noun वो किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से, बड़े अक्षर से। ओके स्टूडेंट, तो इसमें जितने भी प्रॉपर नाउन है उसका स्टार्टिंग का जो लेटर है वो कौन सा स्टूडेंट? कैपिटल लेटर। ओके स्टूडेंट, जैसे दिल्ली का डी कैपिटल है, इंडिया का आई कैपिटल है, और द ये आर्टिकल है जो प्रॉपर नाउन से पहले, ये जो बाइबल दिया हुआ है स्पेसिफिक नेम है, इससे पहले द का यूज किया जाता है। तो ये जो बाइबल का बी है स्टूडेंट, बाइबल का बी है, ये कैपिटल है। नेक्स्ट अमिताभ, अमिताभ का ए कैपिटल है, मुंबई का एम कैपिटल है, महात्मा एम जी कैपिटल है। ओके स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? तो ए प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन स्टार्ट होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट? कैपिटल होता है। इज दैट क्लियर? आई होप दैट कि आप लोगों की ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो प्रॉपर नाउन है स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन आप लोगों की समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन. वी विल टॉक अबाउट कॉमन नाउन. कॉमन नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे. तो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है स्टूडेंट? जातिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा होती है. ए नेम दैट इज गिवन, ए नेम दैट इज गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ईटीसी. ऑफ द सेम काइंड एंड या फिर और क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा होती है स्टूडेंट. ए नेम दैट इज गिवन इन कॉमन टू एवरी, कॉमन टू एवरी पर्सन प्लेस और थिंग ईटीसी एक्सेट्रा ऑफ द सेम काइंड और क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन. कि कॉमन नाउन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक वस्तु कैसी होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए. ठीक है, जातिवाचक होनी चाहिए. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और सेम काइंड, सेम जाति और वर्ग, वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है. ओके स्टूडेंट, कॉमन नाउन के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसके द्वारा हम समझते हैं इनको. तो एज सिटी, बॉय, फादर, गर्ल, ईटीसी. दीज आर कॉमन नाउन्स. ये क्या है स्टूडेंट? कॉमन नाउन्स है. सिटी, बॉय, फादर, गर्ल आर कॉमन नाउन्स. नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. एग्जांपल्स She sings a beautiful song. She sings a beautiful song. वह सुंदर गाना गाती है. अब स्टूडेंट सॉन्ग्स, सॉन्ग्स क्या है? ये सॉन्ग क्या है? कॉमन नाउन है. अब पूछे अगर बात करें स्टूडेंट तो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, क्या आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? क्योंकि सॉन्ग है, काफी होते हैं सॉन्ग. ठीक है, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तो अगर आप लोगों का अगर फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है, लिरिक्स पता है आप लोगों को, तो वो सॉन्ग अगर लिरिक्स के अकॉर्डिंग बात करते हो तो वो होगा पर्टिकुलर. ओके स्टूडेंट, मतलब कि प्रॉपर नाउन. अगर सॉन्ग की, केवल ओनली सॉन्ग की बात कर रहे हो तो ये कॉमन नाउन होता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.